Hello everyone, this is Harinder Sahu from King Research. So, रात को 11 बजे का टाइम हो रहा है और 8 अक्टूबर 2019, हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू गाइस. आज होस्ट आप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा दशहरा को और सब लोगों की लाइफ में अच्छी समृद्धि हो, खुशहाली आए और कुछ पॉजिटिव सोचने का सोचिए. जैसे राम जी ने रावण जी को मार के वध करके एक पॉजिटिविटी को लाया था दोबारा, राइट? तो उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आज अपना वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ. तो आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मोटो है गाइस. अभी मैं चाह रहा हूँ आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे लाइव आप लोगों के सामने कुछ रिजल्ट दे सकूँ, कुछ आउटपुट दे सकूँ, कुछ स्टॉक सिलेक्शन दे सकूँ जिसपे काम करना है. और जो मैंने एक ही स्ट्रैटेजी अभी तक आप लोगों के साथ शेयर करी है, जैसे मैंने कमिटमेंट किया था, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी, राइट? 2 अक्टूबर को मैंने स्ट्रैटेजी शेयर करा था. ये रहा आपका स्ट्रैटेजी, उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी. जिन लोगों, जो लोग नए फॉलोअर्स हैं, जो लोग नए तरीके से देख रहे हैं मेरे को या पहली बार जुड़े हैं या फिर कुछ ही टाइम हुआ है, प्लीज इसको स्ट्रैटेजी को दोबारा देखिए. इट्स अ प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी, प्योर इंट्राडे स्ट्रैटेजी विद पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन. क्यों पावरफुल स्टॉक सिलेक्शन? इसमें आपको स्टॉक खुद चल के आता है, खुद स्टॉक चल के आता है. यानी कि इंट्राडे स्टॉक को कैसे घेरे में लाएं, खुद स्टॉक चढ़ के आता है आपके पास कि बॉस मैं आपके पास स्टॉक सिलेक्शन करने आया हूं, प्लीज अगले दिन मेरे को आप देखिए, आप मेरे से एक अच्छा मुनाफा, मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं अगले दिन के लिए. एक तरह से कह लो अलादीन का चिराग, उसमें से एक जिन निकला, जिन आके आपके पास बोल रहा है मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूं, आप मेरे पे ट्रेड कर सकते हो अपने पॉकेट के हिसाब से, जितना भी आपका रिस्क कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है? जो भी नए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके चेक कर लीजिएगा दोबारा. अदरवाइज ये रहा मेरा वीडियो का चैनल, मनी नेवर स्लीप के नाम से है हमारा वीडियो, ओके? तो सबसे पहला पॉइंट गाइस, मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि आज हमारी हॉलिडे था, यानी कि कल, यानी कि 7 अक्टूबर को मंडे था, हमारे पास सिर्फ एक ही स्टॉक आया था, सिर्फ एक स्टॉक सिलेक्शन में आया था, दैट इज जील, ठीक है? और हम देख लेते हैं जील में कैसे काम हुआ सबसे पहले, उसके बाद मैं निफ्टी का व्यू दूंगा. तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा जो भी देख रहे हैं, और कुछ स्टॉक्स भी बताऊंगा वो भी लास्ट तक देखिएगा, आपको हेल्प हो पाएगा, राइट? तो सबसे पहले ये जील की बात करता हूं मैं आपसे, एक सेकेंड गाइस जी. तो सबसे पहले ये जील की बात कर रहा हूं, देखिए परसों एक रेड कैंडल दिखा था जो आपको हाई जो था इसका ऑलमोस्ट 253.90 पैसे था और लो था आपका 232.6. अब 250 रुपीज का स्क्रिप्ट है और 20 रुपए का ऑलमोस्ट मूवमेंट है, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए 5% की हमारी कंडीशन फुलफिल. अगले दिन आपको गैप डाउन का वेट करना था. क्यों? क्योंकि ये रेड कैंडल है, रेड कैंडल है. अगेन मेरी एक और स्ट्रैटेजी मैंने आपको क्लियर कट बताया, वॉरेन बफे का टॉप सीक्रेट, अगेन इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा कि गिरते हुए स्टॉक को बाई करना है, चढ़ते हुए स्टॉक को ठोकना है. सिंपल स्ट्रैटेजी, जब दुनिया को डर लगे तब बाई करना है, जब दुनिया लालच करे तब हमें उस पर सेल करना है. गैप डाउन खुला ऑलमोस्ट 240, इसका ओपन देख लीजिए आप खुद ही, 214.25 पे खुला. खुलते खुलते धीरे 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 ऊपर है, प्रीवियस कैंडल के लो पे हमने बाई करा एंट्री, और आप खुद देख लीजिए गाइस पूरा का पूरा एंगल्फ किया है. तो आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए 232 से ऑलमोस्ट, अगर पूरा कैंडल भी आपने एंगल्फ किया, 252 का लेवल, 254 का लेवल, 20 पॉइंट्स का, 250 रुपए का स्क्रिप्ट, एंड आई एम गिविंग यू 20 पॉइंट. जस्ट कैलकुलेट हाउ मच रिटर्न यू आर गोइंग टू गेट, ऑलमोस्ट 10% रिटर्न आई एम टॉकिंग अबाउट. यस, बिलीव दैट स्ट्रैटेजी. इधर उधर ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, इसको उसको कोई जरूरत नहीं है, प्योर प्राइस एक्शन, दिस इज प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी. और सर ऐसे स्ट्रैटेजीज को बनाने के लिए बरसों की मेहनत लगती है. तो बस आपसे एक चीज चाहूंगा, थम्स अप का, अगर आपको लगता है कि यार वाकई में अच्छी स्ट्रैटेजी है, लाइक का बटन दबाइएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को, जिससे कि बहुत सारे लोगों को बेनिफिट हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी को एक रुपए भी टिप्स के लिए किसी बंदे को पैसा देने की जरूरत ना पड़ सके. बस यही मेरी आपसे एक्सपेक्टेशंस है. अगर प्यार देते रहोगे सर, इसी तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा, नहीं दे पाओगे फिर भी बनाते रहूंगा, एक भी प्यार दोगे बहुत है मेरे लिए, एनफ इज एनफ, ठीक है?
चलिए कम टू द मेरे कुछ स्टॉक सिलेक्शन जो मैं आप लोगों के लिए करके लाया हूँ। ये हो गया जील का, जो हमारे उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी के अंदर आया था, कल काम किया था, ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न दिया। और आज का, यानी कि हम आज बात कर रहे हैं कुछ एडवांस प्रेडिक्शंस की, ठीक है। तो 9 तारीख को, यानी कि कल जब मार्केट खुलने वाला है, कल हम देखेंगे किस तरह का मार्केट है। तो कुछ मैंने अपने स्टॉक सिलेक्शन करी है, कुछ मैंने रिसर्च करी है, दैट इज कॉल्ड एम आई हरिंदर साहू, किंग रिसर्च, सेमी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ओके, तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हो सकता है मेरी इनमें कुछ पोजीशन खुद की पड़ी हो सकता है कुछ नहीं भी हो। तो प्लीज़ गाइज, आपका पैसा है, आप पहले देखिए, सोचिए, समझिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करने के बाद अगर आपको कोई पोजीशन लेनी है तो उनसे लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जील, जो कि लास्ट क्लोज हुआ है 251.50 पे। तो जील पे मेरा जो व्यू है 261 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, 261 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। ठीक है, तो 261 एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा है मेरा। वंस क्रॉस 261 विल सी बिग फायरवर्क, राइट, अप टू 275 एंड 280, देयर आफ्टर 275-280 को भी क्लोज करके, मेरे स्टूडेंट्स को पता है, जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कैसे क्लोजिंग बेसिस पे, किस बेसिस पे मैं ट्रायलिंग ऐसे लगाता हूँ, या कैसे कितने दिन का हम वेट करने के बाद उस चीज के ऊपर जज करते हैं। तो अगर 285-280 का लेवल ब्रेक करके होल्ड करता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ डेज के लिए या फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तब आपका 287 और 294 का भी ऊपर का द्वार खुला हुआ है, क्लियर। तो 261 का लेवल है, मेजर हडल है, लक्ष्मण रेखा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऊपर जाता है, सस्टेन करता है 275-280, और इसके ऊपर भी अगर सस्टेन कर गया 287-294 तक का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। यस बैंक की बात करूं, एक और स्टॉक यस बैंक, आप सबको चाहिए था, आप सबका फेवरेट, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में है, हो सकता है उनको खुशी होगी मेरा पोस्ट देख के। यस बैंक 45.65 पे क्लोज हुआ है कल की रेटिंग पे, और मैं बात करना चाहता हूं 47.60, अगर 47.60 के ऊपर जाता है, ग्रैप इट, ओके, फास्ट, एनी टाइम ग्रैप इट फास्ट, विल जूम टू किस 54 से 57 तक का लेवल, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर हर्डल, दैट इज 61 का लेवल, राइट। तो पहला हर्डल 47.60, उसके ऊपर जाएगा 54-57 टारगेट, और उसके बाद अगर 61 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है और होल्ड कर जाती है पोजीशन, गाइस आई एम गोना गिव यू द कमिटमेंट, मे बी 100%, मे बी 0%, दैट यू नीड टू थिंक अबाउट इट, हाउ एग्जैक्टली आई एम गिविंग द लेवल्स, ओके। तो दिस इज 67-72 लेवल, तो 61 के बाद फिर ओपन गेट खुल जाते हैं 67-72 तक के लेवल्स के लिए, ठीक है। अब आ जाओ वॉकआउट का, राइट, वॉकआउट में बहुत सारे लोगों की पोजीशन है, कल जो क्लोज हुआ है 239 पे, यस 231, यस 231 एंड 229, वेरी 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 क्रूशियल लेवल, अगर ये क्रूशियल सपोर्ट आपका, गाइज ध्यान रखिएगा, अगर ये क्रूशियल लेवल टूटता है तो मार्केट में वॉकआउट में पैनिक आ जाएगा, अदरवाइज गो लॉन्ग विथ अबव स्टॉप लॉस लेवल, यानी कि 231 का अभी 220, अभी मार्केट में 239 चल रहा है, 231-29 का एसएल लगा के बाई कर सकते हो, अगेन 243 के अबव अगर जाता है, विल सी 249-253 का लेवल, क्लियर। 239 पे कल क्लोज हुआ है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 231-229 का है, अगर ये होल्ड करता है और 239 के ऊपर, यानी कि 243 ब्रेक करता है और सस्टेन करता है कुछ टाइम के लिए, तब आपको 249-253 का लेवल वॉकआउट में इजीली मिल सकता है, इजीली। अनदर स्टॉक एसबीआई, एसबीआई क्लोज्ड 249, मार्क माय वर्ड 261 इज अ लक्ष्मण रेखा, ध्यान दीजिएगा सर, अगर मैं लक्ष्मण रेखा की बात कर रहा हूं, दैट इज लक्ष्मण रेखा,
I mean to say that is a support or resistance, right? So 261 is act as a Lakshman Rekha. Yes, go short. SBI wale, SBI lovers, मुझे मालूम है आप सबके पोर्टफोलियो में SBI है. मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूँ सर, लेवल दिख रहा है, मैं उसके लेवल पे बात कर रहा हूँ. लेवल नहीं होता, नहीं हो सकता है मैं गलत हो सकता हूँ, हो सकता है मैं सही हो सकता हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ. चार्ट सब बोलता है, वो चार्ट कैसे बोलता है. 10 अक्टूबर का मेरा ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो. इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए, क्योंकि मैं इस क्लास में आपको जीरो से लेके एडवांस तक की कहानी बताने वाला हूं. जैसे मैं स्टॉक सिलेक्शन करता हूं, जिस तरह से मैं ट्रेड करता हूं, आपको मैं अपनी रियल पिक्चर देने वाला हूं, कैसे मैं ट्रेड करता हूं, किस तरह से आपको स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, किस तरह की जो स्ट्रैटेजी मैं आपको दे रहा हूं उसको एग्जीक्यूट करना है मार्केट में, और मार्केट में से एक गुड अच्छा प्रॉफिट हंट करना है, राइट. चलिए कम टू द टॉपिक. SBI गो शॉर्ट 261 हडल मार्क में, 261 इज अ लक्ष्मण रेखा, गो शॉर्ट करो. नियर कहां पे? 253-57 के आसपास तक. और यहां से अगर गिरना चालू हुआ गाइस तो 241 एंड 236, यस अगेन रिपीट कर रहा हूं, 241 236 तक का भी लेवल दिख सकता है, ठीक है. तो 253 से 57 के बीच में आप शॉर्ट कर सकते हो, SL 261 का रहेगा और टारगेट 241-236 तक का लेवल्स आ जाएगा. अनदर स्टॉक रिलायंस, आप सबका अगेन चाहता स्टॉक, 1309 कल का क्लोजिंग प्राइस है. इसमें जो लक्ष्मण रेखा है वो किंग रिसर्च की जो लक्ष्मण रेखा 1336 का लेवल है. यस, गो शॉर्ट ऑन एवरी राइस. रिलायंस थोड़ा सा भी बाउंस बैक दिखे गाइस बाई मत करना, इट्स अ बुल ट्रैप, इट्स अ रिटेलर ट्रैप, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये मेरा लेवल है, होता है सही होता है गलत है, आप खुद जज करिए. यस, गो शॉर्ट ऑन एवरी राइज. यस, बिग पैनिक ऑन कार्ड बिलो 1306. कल क्लोज कितने में? 1309 पे हुआ है. अगर बिलो 1306 1306 शार्प पैनिक अप टू 1276 और 1250 तक का लेवल आ जाएगा, राइट. एक और स्टॉक की बात कर ले, PNB 5725 पे क्लोज हुआ है. अगर 60 मेजर प्रॉब्लम है, PNB 60 के नीचे बहुत बड़ी समस्या है चार्ट के हिसाब से, ठीक है. तो आप गो शॉर्ट कर सकते हो, दिस विल स्टॉक ट्रेड बिलो 30 इन कमिंग डेज. यस, PNB का लेवल मुझे बहुत कहानी खराब आ रही है, ये मेरे खुद के एनालिसिस है. आप रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करिए, उसके बाद आप इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तो बिलो 60 पैनिक ओनली, अप टू 30 इन कमिंग डेज, नो डाउट एट ऑल, राइट. तो ये मेरे फ्यूचर के लेवल है, 8 अक्टूबर के लेवल है, ट्रेड सेटअप है जो मैंने आपको बताया. मेरी कोशिश ये रहेगी, मैं अभी पुणे में हूँ गाइस. एक और चीज मैं बता दूं, कल जो लोग भी इंटरेस्टेड हो मिलने के लिए, कल 3:30-4 बजे के आसपास हम लोग मिल सकते हैं. मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा तो अपन जगह डिसाइड कर लेंगे. तो जो भी इंटरेस्टेड है, काफ़ी लोगों के मेरे पास क्वेरी है मिलने के लिए. थैंक यू सो मच सर, आप लोग का प्यार दिखाने के लिए. आई एम ईगर टू मीट विद यू गाइस, राइट. तो आप लोग डेफिनेटली, हम लोग कल 4 बजे मिलते हैं. तो जो भी नए और लोग मिलना चाहते हैं, मेरे पुराने स्टूडेंट्स या नए फॉलोअर्स, मोस्ट वेलकम. जो पुणे से हैं, जो मिलना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, ठीक है. तो हम लोगों ने टोटल जो स्क्रिप्ट दिए हैं, जील 1, यस बैंक 2, वॉकआउट 3, SBI 4, रिलायंस 5 एंड PNB 6 स्टॉक्स आपको कल के लिए दिए, इसको रडार पे रखिएगा. और प्लस उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी के अंदर आप खुद NSE की वेबसाइट में इमीडिएट बेसिस पे अभी जाके खोलिए और टॉप गेनर्स और टॉप 10 टॉप जो भी गेनर्स हैं या लूजर्स हैं उनमें से स्टॉक सिलेक्शन करिए. कैसे? 5% के ऊपर के स्टॉक्स को, उसके अगले दिन आपको पता है क्या करना है, एक ही मिनट में आपको पता चल जाएगा क्या स्ट्रैटेजी को यूज़ करना है, नहीं करना है, राइट. तो ये हो गया हमारा ट्रेड सेटअप कल के लिए, यानी कि 9th of October के लिए, ठीक है. अब मैं बात करना चाहूँगा गाइस निफ्टी की मैं जो लेवल्स है, कल मॉर्निंग में आपको अपडेट कर दूंगा निफ्टी के लेवल्स. जैसे कि आपको दिख रहा है 11127 का वेरी क्रूशियल सपोर्ट है, वेरी वेरी क्रूशियल सपोर्ट है, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है. अगर 11127 का लेवल होल्ड करता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो गाइस ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का मार्केट गिरावट है. और आपको क्लियर कट मैंने दिया था मैसेज में, ये देख लीजिए गाइस, 7 अक्टूबर कल का हमारा दिन कैसा गया, पहले उस पर देखते हैं कल क्या दिया था और आज क्या देने वाला हूं, एक सेकेंड, राइट. ये देखिए,
9:28 पे क्लियर कट बोल दिया गया था, 9:28 पे आपको यहाँ पे जो मुझे पर्सनली फॉलो करते हैं, जो मेरे को सालों से फॉलो कर रहे हैं, उनको क्लियर कट मैसेज मिल गया था। बैंक निफ्टी लास्ट क्लोज 27,853, यस एज एक्सपेक्टेड ऑन फ्राइडे क्रैश, फ्राइडे भी हम लोगों ने सेल बोला था, बैंक निफ्टी को गिरा, निफ्टी बोला गिरा, सिमिलरली क्रैश वर्टिकली, आवर फॉलोअर्स नो परफेक्ट रीजन एंड परफेक्ट लेवल टूडे अगेन कीप आई ऑन 28,051, इसके नीचे पैनिक है। If today unable to cross 28,051, stay below 27,970, then we will see big panic. कितने तक का? 27,540 और 27,390, और रिजल्ट आपके सामने है, खुद अभी सिस्टम पे जाके चेक कर लीजिएगा क्या रहा। एक और लेवल मैंने निफ्टी में भी आपको दिया था, राइट? आ जाइए दिखा देते हैं आपको निफ्टी के लेवल्स भी। ये हमारा ट्विटर चैनल है, जो सब्सक्राइब नहीं कराए वो प्लीज कर लीजिएगा, किंग रिसर्च के नाम से है। मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी के अगर आपको व्यू चाहिए, मॉर्निंग में 9:15 तक आपको मेरे व्यूज मिल जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 9:25 तक मेरे व्यूज आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आपको मॉर्निंग में ही मेरे साथ बैठना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त, बिना मेहनत किए स्टॉक मार्केट में क्या कहीं कुछ नहीं मिलता है, इसलिए कहता हूँ सीखो, समझो, देखो कैसे ट्रेड किया जाता है, कैसे बड़े प्लेयर्स ट्रेड करते हैं, आप जो करते हो और बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं सीखो, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी गाइस, चलिए कम टू द टॉपिक। देखिए जो पहला मैंने आपको अपडेट दिया था, टाइमिंग 7th of October, ठीक है, बैंक निफ्टी का अगेन फ्राइडे क्रैश वर्टिकली वही लेवल है, ठीक है, और एक सेकेंड, हमारे लेवल से 450 पॉइंट बैंक निफ्टी 2200 पॉइंट गिर गया चार ट्रेडिंग सेशंस में। क्लियर कट, जिसको प्रूफ चाहिए एक बार मेरा टेलीग्राम और ट्विटर को स्क्रॉल करके देख लेना, उनको प्रूफ मिल जाएगा जिस दिन बोला था, चार दिन पहले क्या बोला गया था और क्या हुआ वहां से। हाँ ये देखिए, ये रहा आपका बैंक निफ्टी का और ये रहा हमारा निफ्टी का, क्लियर करिए बैंक निफ्टी का और ये देखिए निफ्टी का क्या बोला, लास्ट क्लोज 11,201, कीप आई ईगल आई, नॉट नॉर्मल आई, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट आई मीन्स ईगल आई, 11,247, 11,270 लेवल, स्ट्रॉन्ग हडल, वेरी पावरफुल हडल। आवर मंत्रा भी क्लियर कट बताया गया है, मंत्रा मतलब सबको समझ में आता है इंडियंस को, आवर मंत्रा इफ निफ्टी फ्यूचर अनेबल टू क्रॉस 11,270, क्लोज अबव 11,270 लेवल इन दिस वीक, देन मार्क माई वर्ड वी विल सी बिग स्लाइड अप टू 10,870, 10,647, ठीक है। यहां सर ये 50 पॉइंट, 25 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट की बात नहीं हो रही है, ये कुछ बड़े लेवल्स की मैं बात करता हूँ, इन अगर बड़े लेवल्स को फॉलो करके काम करोगे तो मैं इतना समझता हूँ भले आप पैसा कमाओ ना कमाओ, लूज नहीं करोगे, आप लॉस नहीं करने वाले हो, दिस इज माई मेन मोटो कि बॉस पैसा कमाओ नहीं कमाओ वो बात की बात है, पैसे तभी कमा पाओगे जब सीखोगे, लेकिन कम से कम इन लेवल्स के थ्रू जो मैं फ्री में देता हूँ इससे आप लॉस ना कर सको। तो 11,247 का क्रूशियल लेवल बताया और गाइस खुद देखिए 11,247, राइट, ये मार्केट ओपन हुआ और देख लो कितने का हाई था, आई एम सो सॉरी फ्यूचर का, ठीक है ये देख लो 247, ठीक है ये रहा 247 का लेवल, वहां से गया है 260, तो मैंने क्लियर कट बोला 247 एंड 270 का लेवल, उसी रेंज में जाके फॉल हुआ, दोबारा कोशिश करी और इस बार गिरता चले गया। तो ये हमारी एक क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी है,
निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसके अंदर भी पावरफुल कैप किया। इसने टॉप में बता दिया था कि सेल करो, क्रोकोडाइल स्ट्रैटेजी, सिर्फ इतनी माइंड ब्लोइंग स्ट्रैटेजी है सर, दिस इज अगेन अ प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, और टॉप पे उसने सेल दिया, रिजल्ट आपके सामने है डे एंड तक, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट सर, 100 पॉइंट बोलने के बाद गिरा है बैंक निफ्टी, खुद कैलकुलेट कर लीजिए, आपको दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी भी, ये देखिए नॉनस्टॉप ऊपर गया, 28,180 तक का लेवल गया, और देखिए बैंक निफ्टी में यहाँ क्या बोला गया था, लास्ट क्लोज 853 में, ठीक है, उसके बाद रीजन आपको, हाँ 28,051 का लेवल, 28,051 का लेवल, और आप यहाँ पे देखिए 28,170 तक का लेवल आया है एग्जैक्ट, और हमने आपको क्लियर कट बताया था, क्लियर कट अगर 27,970 के नीचे जाता है तो आपको क्या करना है, 27,970 ये देख लीजिए, 970 के लेवल से 27,720, और ये हमारी क्रोकोडाइल स्ट्रैटेजी में भी है, लेवल्स छोड़ दो, प्योर जैसे उल्टा पुल्टा बताइए ना वैसे प्योर प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी, जो कि हम लोग 14 अक्टूबर के बैच में आप सभी स्टूडेंट्स को देने वाले हैं, और जो लोग बुक नहीं कराएं प्लीज जल्दी जल्दी बुक करा लिए, लिमिटेड सीट्स है, बाद में मत बोलिएगा सर हम बुक कराना भूल गए, क्योंकि फिर महीने में, पूरे महीने में मैं एक ही बैच लेता हूं, ठीक है। तो ये आज का निफ्टी का, कल मैं प्रॉपर कल का जो व्यूज है वो मैं दे दूंगा, बट स्टिल मैं आपको थोड़ा सा हिंट देना चाहूंगा, दिस इज निफ्टी चार्ट एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट डेली चार्ट। अब देख लीजिए 11,127 का वेरी इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है, कल मैं इसका आपको प्रॉपर लेवल दूंगा, किस तरह से है, क्या है, क्या नहीं है, एवरीथिंग, क्योंकि मेरी जो कैलकुलेशन है मल्टी कंफर्मेशन के ऊपर ही देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, राइट, पिन पॉइंट देने की कोशिश करूंगा, और एक एनालिसिस, दो नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, 10-12 एनालिसिस मैं कैलकुलेट करके कुछ अच्छा दिखता है तभी आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ अपनी तरफ से देने की कोशिश करूंगा गाइस, ठीक है। चलिए आपसे विदा लेना चाहूंगा, कल नजर रखिएगा उल्टा पुल्टा स्ट्रैटेजी, 9:15 में आपको पता चल जाएगा किस पे काम करना है किस पे नहीं करना है, और प्लीज गाइस हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर मेरी स्ट्रैटेजी आपको सही लग रही है, पसंद आ रही है, मजा आ रहा है काम करके, पैसा कमा रहे हो, तो प्लीज स्क्रीनशॉट मेरे साथ व्हाट्सएप में शेयर करना ना भूले, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8468111500, और अगर किसी को 14 अक्टूबर की क्लास के बारे में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हो, प्लीज मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपकी डिटेल शेयर कर दूंगा, और अपनी सीट जल्दी से जल्दी बुक करा लीजिए। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू गाइस, हैव अ गुड नाइट।